The given figure O is the center of the circumcircle of triangle XYZ. Tangents at X and Y intersect at T. ये X and Y intersect at T. Given XTY, XTY ये given है 80 degree. And XOZ, XOZ ये भी given है 140. Find the value of ZXY. हमें बताना है ZXY. क्लियर? अब आइए इसको सॉल्व करते हैं. यहां पे देखो ओ एक्स और ओ जेड इन ट्रायंगल एक्स ओ जेड, एक्स ओ एक्स जेड भी आप लिख सकते हैं, ओके, इज आइसोसेलेस. इज आइसोसेलेस क्यों आइसोसेलेस है ये, क्योंकि यहां पर ओ जेड इक्वल टू ओ एक्स है और ये दोनों क्या है, सो दिस इज द रेडियाई. ओके, समझ में आया? अब देखो यहां पे ये दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये 140 है, तो ये कितना होगा, 180 से माइनस कर दो कितना बचा 40, और 40 को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो ये हो गया आपका 20 डिग्री और ये भी हो गया 20. इतना समझ में आया? सो आपको मिल गया एंगल ओ एक्स जेड और ये हो गया आपका 20 डिग्री. अब जितना ये है उतना ही आपका ओ जेड एक्स भी है, ओ जेड एक्स, लेकिन हमें इसी की जरूरत पड़ने वाली है. अब इतना आपको समझ में आया? अब देखिए आप, अगर इसको हम ड्रॉ कर दें ऐसे, है ना, सो यहां पे, और इसको अगर या तो हम ये एक्सटेंड कर दें उसे ना एक्सटेंड करके, ये चीज इसमें है ना, तो ओ एक्स टी इन ट्रायंगल ओ एक्स टी, ओ एक्स टी एंगल कितने डिग्री का होगा हीरो, 90 डिग्री का, है ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे रेडियस क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ओ एक्स इज द रेडियस टेंजेंट एक्स टी पे, है ना. सो इसको आप ओ एक्स इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स टी आप लिख लेना. इतना समझ में आया? अब देखो ये कंप्लीट कितना है, 90 डिग्री, है ना. यहां पे दूसरे ट्रायंगल में एक्स टी वाई इन ट्रायंगल एक्स टी वाई, इसमें हमारे पास ये एंगल पता है, ये 80 डिग्री है, और एक्स टी इक्वल टू टी वाई, ये इसलिए इक्वल है क्योंकि दोनों टेंजेंट्स हैं, सो पेयर ऑफ टेंजेंट्स. ओके, ये दोनों इक्वल होने की वजह से ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, सो दिस इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब ये आइसोसेलेस अगर हो गया सो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल. अगर ये 80 है सो 180 में से 80 माइनस कर दें सो 100 बचा, और 100 को टू इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे तो ये 50 आ जाएगा और ये भी 50, है ना. और ओ एक्स टी, अब देखो इसमें से हम निकाल लेते हैं ओ एक्स वाई, ओ एक्स वाई हम निकाल लेते हैं, और ओ एक्स वाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओ एक्स टी, एंगल ओ एक्स टी माइनस एंगल टी एक्स वाई, एंगल टी एक्स वाई. क्लियर? अब देखो ओ एक्स टी कितना है, सो ओ ओ एंड दिस इज द एक्स एंड टी 90 डिग्री है, एंड टी एक्स वाई कितना है 50, सो ये कितना हो गया 40 डिग्री, यानी एंगल ओ एक्स वाई इज 40 डिग्री. अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है एंगल जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई, सो एंगल जेड एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, सो जेड एक्स वाई इक्वल टू होगा दिस एंगल एंड प्लस दिस एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो जेड एक्स ओ या ओ एक्स जेड आप कुछ भी लिख लीजिए, ओ एक्स जेड प्लस ओ एक्स वाई, ओ एक्स वाई,
ओके, ओ एक्स एंड वाई, ये एंगल। अब देखो ओ एक्स जेड कितना है, सो दिस इज 20 डिग्री, दिस इज 20 एंड दिस इज, ये कितना है अपना 40 डिग्री, सो प्लस 40, सो कितना हो गया 60। यही पूछा गया था, एंगल जेड एक्स वाई, सो दिस इज द 60 डिग्री।